जैसा होना चाहिए, पटना वाली बाई जैसा। भक्तमाल में एक चरित्र आता है श्री पटना वाली बाई का, आहा हा बड़ी अद्भुत भक्ति मता। पटना वाली बाई इतनी भक्ति मता थी कि ठाकुर जी को बड़ा मानती थी, गोविंद का गीत, गोविंद के गीत गाती, गोविंद के गुणानुवादों को गाती। इनके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, तो मन में इनके बड़ा विस्मय जिंदगी भर बना रहता था कि हे भगवान, हमारे संतान नहीं है, हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। ये दिन ना रात यही सोचती रहती थी। एक बार कुछ महात्मा इनके घर पर आए, और घर पर महात्मा आए तो घर पर संतों ने आकर के पटना बाई वाली बाई को सुंदर भगवान के वृतांत को सुनाया। जिस भक्ति मता की हम आपको कथा सुना रहे हैं, ये पटना में विराजती थी। ठाकुर जी के सुंदर वृतांत को ऐसे भाव पूर्वक संतों ने सुनाया। देखो भैया, भक्तमाल की कथा जीवन में नास्तिक को भी आस्तिक बना देती है। संतों की कथा, संतों का जीवन चरित्र, संतों की रहनी, संतों के विचार, संतों की वाणी, संतों के उपदेश, संतों का सहन, संतों की साधुता, संतों का संतत्व, संतों की जीवन गाथा, संतों की वाणी, संतों की आज्ञा, संतों का संग जीवन में बिगड़े व्यक्ति का भी जीवन संभाल लेता है। हाँ, जिसने साधु संगत नहीं करी उसका जीवन दो कौड़ी का है भैया, दो कौड़ी का। भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है तो भक्तमाल के पावन चरित्र को सुनो। संतों का संग मिला पटना वाली बाई को, इनके कोई संतान नहीं थी, तो संतों से निवेदन किया, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, हम क्या करें। तो संतों ने उपदेश दिया कि ये बाल मुकुंद जी रख लो, और ये ही तुम्हारे आज से छोरा है, तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारे आज से बालक कोई और नहीं, साक्षात श्री ठाकुर जी रहेंगे। अब तो बड़े प्रसन्न भए, बड़ी प्रसन्न हुई पटना वाली बाई। अब तो बाल मुकुंद जी को लेकर के घूमने लगी, फिरने लगी। देखो भैया, भोपाल के पागलो, हमें करोड़ों की बात आपको बता देवे, जो संबंध की कमी आपके जीवन में हो गए, वो कमी संसार के किसी व्यक्ति से मत पूर्ण करना, उस संबंध का नाता अपने गोविंद से जोड़ लेना, वो कभी नहीं तोड़ेंगे। हाँ, जग छूटे तो छूटन दो, पर राघव हमारे ना छूटे। जग रूठे तो रूठन दो, पर राघव हमारे ना रूठे। भैया, संसार कितना भी छूट जाए पर भगवान का भजन ना छूटे, ये गांठ बांध लो। बाल मुकुंद जी को अपना बेटा मान लिया। अब तो जो बालक की सेवा माताएं करती हैं, वही पटना वाली बाई अपने ठाकुर जी की सेवा करने, रोज बढ़िया नहलावे, काजल का टीका लगा दे, में कहीं नजर ना लग जाए, बढ़िया मीठो मीठो दूध पवावे, बढ़िया दिव्य सिंगार करवे, डिठोला ऊपर से मारे, अरे लाला तू इतनो सुंदर दिखवे तो ये काऊ की नजर ना आए बैठ जाए, बढ़िया बड़ो बड़ो डिठोला लगाए देवे, सुंदर सी गले में माला पहना देवे ठाकुर जी को, रोज ने कभी झंगुलिया पहनावे, कभी सुंदर से वस्त्र पहनावे, कभी ओढ़नी की सिलाई करके सुंदर सो कपड़ा उड़ा दे। भैया, बाल मुकुंद जी के कहीं जाना हो तो विग्रह ले जाएं। एक बार धोखे से गाड़ी की यात्रा पर बैठी तो अपनी तो टिकट कटवाई, ये कथा हम आपको त्रेता युग की नहीं बता रहे, कोई सतयुग की नहीं, कलयुग की कथा बता रहे हैं। कलयुग में साक्षात दर्शन मिले ने पटना वाली बाई को।
एक बार गाड़ी की यात्रा पर बैठी, अपनी तो टिकट कटवाई, अपने बगल में ठाकुर जी को सीट दे दी और ठाकुर जी की भी टिकट कटवाई। लोगों ने कहा कि पागल हो गई क्या, भगवान को बगल में ले लो, गोद में ले लो, ठाकुर जी ही तो हैं। तो चिल्ला पर के बीच गाड़ी में चिल्ला पड़ी, चुप हो जाओ, ये तुम्हारी नजर में ठाकुर जी होंगे, ये हमारी गोद में अब नहीं बैठेंगे, अब बड़े हो गए, हमारा पुत्र है, हमारे लाला है। इतना सुंदर भाव। उन दिनों पटना के गांवों में बिगवा नाम का एक प्रेत आतंक फैला रहा था, जिसका नाम था बिगवा। अब वो पिशाच श्रेणी का था। वो प्रेत इतना विचित्र था कि छोटे छोटे बालकों को उठा करके ले जाता था। पटना वाली बाई के मन में संदेह उत्पन्न हो गया, कहीं हमारे लाला छोटे हैं, कहीं इसको बिगवा उठा करके ना ले जाएं। तो रोज तो भगवान को मंदिर में सुलावे, जिस दिन से बिगवा को नाम सुनो सो अपने बगल में लिटा लेवे, लिटावे सो तो ठीक, खुद ओढ़वे ना, ठाकुर जी को पल्ली रजाई से उड़ाकर छुपा कर रख देवे, कहूं बिगवा ना ले जाए। आहा, कई दिन बीत गए। प्रीत गिरी ऐसी बसी, संग आए नंदलाल। हमारे गोविंद तो प्रेम के भूखे हैं, हमारे माधव तो प्रेम देख करके रीझ जाते हैं, हमारे ठाकुर भी पुत्र वात्सल्य रूप में माँ को पाकर के बड़े गदगद हैं पटना वाली बाई के घर पर। कभी कभी तो पटना वाली बाई को लगे कि भगवान कुछ बोल रहे, जिसे प्रेम होता ना प्रभु से, भगवान उससे बातें कर लेते हैं अक्सर वो बातें। जब कोई भक्त मिल जाता है और कोई उनको बुलाता है तो हमारा गोविंद दौड़ा चला आता है। भगवान बातें करने को तो हमेशा आतुर रहते। एक रात को एक घटना घटी। क्या रात के पूरे गांव में हल्ला हो गया, बिगवा आ गया, बिगवा आ गया, बिगवा आ गया, हल्ला हो गया, बच्चों को ले गया, बच्चों को ले गया, रोने धोने की आवाज सुनी तो रात को नींद टूट गई। आंख खुली तो हड़बड़ाहट में अपने कन्हैया बाल मुकुंद को, हमारे ठाकुर जी को, हमारे कृष्ण को, हमारे नंदलाल को, हमारे यशोदा नंदन को, हमारे देवकी नंदन को, हमारे चित चोर को, माखन चोर को, ब्रजेश्वर को, राशेश्वर को, ब्रज बिहारी नंदलाल गोविंद को पकड़ना चाहा और हाथ से गोविंद छूट गए, पलंग के नीचे गिर गए। पलंग के नीचे गिरे, बिस्तर पर पूरे पर देखा, ठाकुर जी तो है ही नहीं, हमारा लाला तो है ही नहीं। अब तो दहाड़ दहाड़ करके रोने लगी, हमारे लाला को, हमारे कन्हैया को बिगवा ले गया, हाय बिगवा ले गया, बिगवा ले गया। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बड़े बड़े संत बहुत ऊंची बात बोलते हैं, भक्तों संत कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने पर
हमारे गोविंद का ऐसा है, दुर्योधन का घर छोड़ करके विदुर के घर आ गए। राम अवतार में त्रेता युग में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भगवान राम जी के स्वागत के लिए पुष्प बरसा रहे हैं, स्वागत की तैयारी कर रहे हो। राम जी उन संत महंतों का घर छोड़ करके झूठे भेर सबरी के खाते हैं। न जाने कौन से पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं। भैया पटना वाली बाई चिल्लाने लगी, हे माधव, हे गोविंद, हे हमारे ठाकुर, हे कन्हैया। और जैसी चिल्लाने लगी, रोने लगी, भगवान से भी रहा नहीं गया, भगवान अपनी मुरली लेकर के प्रकट हो गए। अरे मैया, तुम्हारे लाला को कोई नहीं ले गया, हमें भला कोई ले जा सकता? बिगवा की क्या क्षमता है कि हमें ले जाए? बताओ क्या चाहिए। और जरा शब्द सुनना, भगवान किस भाव पर रीझ गए। पटना वाली बाई बोली, सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अपने वही बाल मुकुंद चाहिए जो लाला बनकर के हमेशा हमारे साथ रहते हैं। भगवान भी आज रो पड़े, भगवान भी धन्य हो मैया कहने लगे। और तुरंत भगवान फिर से बाल मुकुंद बनकर के, जब तक वो पटना वाली बाई जीवंत रही तब तक ठाकुर जी प्रत्यक्ष उनके घर में रहकर अपनी माँ रूप में यशोदा के जैसा भाव रख करके पटना वाली बाई के हाथ से प्रसाद पाते रहे। भैया ये भक्तमाल की कथा हम आपको कोई त्रेता युग की नहीं बता रहे, कलयुग की गाथा है। तो ये है भक्त, भक्त ऐसा हो जो हर क्षण भगवान